हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स इन हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। अगर आप पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन घंटे को दबाएं जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्रीम लेके आया हूँ जिससे आप स्किन पर लगाने, आपके चेहरे पर लगाने पर आप इतना गोरापन हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें कि इसके क्या साइड इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस क्रीम का नाम है अल्ट्रा ब्राइट क्रीम, स्किन क्रीम। ये किस किस के लिए यूज़ है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और किल मुहासे आपको गोरापन देती है, काली स्किन को गोरापन देती है, निखारने में मदद करती है नहीं, तो इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ रेड बटन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन घंटे को दबाइए जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हाँ दोस्तों, ये आसानी से आपको मेडिकल स्टोर पे मार्केट में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं जिससे कि आपको बेनिफिट हो जाएगा, इसकी प्राइस आपके रेट कम मिल लगेगी, ठीक है। और आप अगर आप मार्केट से लाती हो तो इसकी प्राइस है वो पूरी लगेगी 135 रुपये लगभग। ऑनलाइन से मंगवाते हो आप घर पे, वीडियो के नीचे लिंक दी गई है उसे, तो आपकी 120 या 125 रुपये लगेंगे। तो आप कोई इस क्रीम के बारे में पूरा रिव्यू देने जा रहा हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, मिस ना करें। तो आप देख सकते हैं इस क्रीम का नाम है अल्ट्रा ब्राइट क्रीम है और 25 ग्राम की एक क्रीम आती है और आसानी से मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाती है और 135 रुपये इसकी प्राइस है, ठीक है। सबसे पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं कैसी आती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी पैकिंग आती है। अब इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाकर, किन किन पदार्थों से मिलाकर बनाई गई है, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोक्विनोन है, ट्यूटोनियन है, मोनराइजेशन है और फिल्टर क्रीम। तो दोस्तों ये हाइड्रोक्विनोन है, ट्यूटोनियन तो आपकी स्किन को इतना कोमल बना देती है, मुलायम, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप धूप में जाती हो तो आपका पहला स्किन कालापन दिखाती है, उसके बाद में भी आपको कालापन दिखाएगी, क्यों दिखाएगी इसका रीज़न भी मैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप इस क्रीम का डेमी यूज़ कर रहे हो तो आप की सूर्य कारक यानी किरणें हैं जो आपकी स्किन पर पड़ेगी और वो कोमल त्वचा रहेगी और उसको काला करेगी आपकी स्किन को। और नाइट में यूज़ कर रहे हो तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर नाइट इस क्रीम का यूज़ कर रहे हो तो सनस्क्रीन का क्रीम का आप डे में यूज़ कीजिए। कौन सी क्रीम है, सनस्क्रीन पतंजलि की, जो मैंने एक वीडियो बना दी है और इसकी लिंक भी मैंने वीडियो में डाल दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। जे सनस्क्रीन का तो आपको डे में बिल्कुल भी यूज़ करना है या कोई सी भी क्रीम यूज़ करें या ना करें, क्योंकि ये सूर्य की हानिकारक किरणों से आपकी स्किन को बचाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये बेस्ट क्रीम है। अगर आपको ये क्रीम यूज़ कर रहे हो और साइड इफ़ेक्ट प्रभाव पड़ रहा है आपकी स्किन है वो पहले से बेकार हो रही है, हाँ केल मोशे डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत ही बेस्ट क्रीम है और ये गोरापन के लिए भी बहुत बेस्ट क्रीम है दोस्तों, नो स्कार्स। और ये देख सकते हैं अल्ट्रा ब्राइट क्रीम बहुत ही बेस्ट क्रीम है दोस्तों, आप इसका यूज़ कीजिए बेझिझक होके। और अगर आपकी स्किन पे यूज़ कर रहे हो, आपकी स्किन पे ज़्यादा डार्क स्पॉट्स बढ़ रहे हैं तो आपको यूज़ किस तरह से करना है तो ये आपको मालूम नहीं है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। डेमी यूज़ कर रहे हो तो आपका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, मेरी तो यही राय है आप डॉक्टर की सलाह लें, ठीक है। इसका क्रीम का यूज़ करिए तो नाइट में ही यूज़ करनी है आपको, डे में बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। और किस तरह से आपको यूज़ करनी है, अच्छी तरह से आपको सोने से पहले अपने चेहरे को, स्किन को फेस वाश से साफ कीजिए, उसके बाद में गुलाब जल का यूज़ कीजिए। गुलाब जल के बाद में आपको इस क्रीम का यूज़ करना है, वो भी सिर्फ एक बार ही आपको स्किन के अंदर पर मसाज करनी है, उसके बाद में ऐसे छोड़ देना है, पूरी स्किन पर फैला दीजिए, मालिश नहीं करनी है आपको स्किन के ऊपर। उसके बाद में सुबह उठते ही आपको सबसे पहले आपकी स्किन को साफ़ कीजिए गुनगुने पानी से, उसके बाद में फेस वाश का यूज़ कीजिए और बाद में आप गुलाब जल का यूज़ कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए प्लीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें रेड बटन पर, ऐसी वीडियो इसी चैनल पर मिलती है दोस्तों। अगली वीडियो मिलती है ऐसी भी, इतनी देर के लिए बाय।
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स।